सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं सरबजीत कौर, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਲੇਜ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ ਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਿੰਡੇ ਛੋਲੇ। ਪਿੰਡੇ ਛੋਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਵਾਲੇ ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡੇ ਛੋਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡੇ ਛੋਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਦਾਂਗੀ। ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਚਨੇ ਮੈਂ ਭੇਗੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫੁਲਕੇ ਵਾਵਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੀ ਛੋਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟਫ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੀ ਛੋਲੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕਲਰ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੱਤੀ ਲਵਾਂਗੀ। ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। मलमल का कपड़ा होना चाहिए या कपड़ा वो होना चाहिए जिहड़ा पतला होवे, नहीं तो कलर नहीं चढ़ेगा। हम तो मोटी इलायची ला रही हैं। मोटी इलायची नाल की होंदा है, बहुत वधिया फ्लेवर आ जाता है। हुण मैं इहनूं गंढ मार दांगी। हुण इह मेरी पोटली बन के बिल्कुल तैयार है, तो मैं इहदे च पा दांगी। एक चम्मच मैं इहदे च नमक पा दांगी, क्योंकि छोले जिहड़े ने एवें उबालोगे ना तो उहदा फोके जिहे रह जाणगे। थोड़ा जिहा मिठा सोडा ऐड कर रही हाँ ताकि छोले जिहड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन ते नमक इहनां विच ईजली समा जाए। छोले बिना नमक तो उबालोगे तो आप फूके रह जाएंगे। देख सकते हो कि पत्ती ने जड़ा अपना रंग छड़ना शुरू कर दिता है, तो जड़ी इलायची भी अपने पानी में फ्लेवर छड़ देगी। एक और फायदा दसदा वा तेज इलायची का, जिवें किसी नूं वोमिटिंग हुंदी होए या उल्टी, जिन्हां नूं कहते हैं उल्टी लगी होवे ते उल्टियां रुकदियां ना होए, या फिर दिल कच्चा हुंदा होए, दिन विच भी किसी टाइम दिल कच्चा हुंदा होए, प्रैगनेंट लेडी वास्ते नहीं है, जिहड़े नॉर्मल बंदे ने उन्हां वास्ते है। चाह विच तुसीं एक मोटी इलायची कुट के उहदी चाह बना लो, चाह विच पा लो ते उह पीओ एक टाइम ही, उहदे नाल फायदा होएगा। हुण कुकर नूं आपां 4 विसल आउण दा वेट करांगे, ते कुकर तुसीं एकदम नहीं खोलना हैगा। छोले अपने हो चुके ने, हले उन्हां नूं मैं स्टीम नहीं कढांगी, स्टीम विच ही रखांगी, तो इन्ना चिर मैं तड़का तैयार कर लाँगी जिन्ना चिर स्टीम रिलीज़ होएगी। फ्राई पैन मैं चढ़ा चुकी हूँ, तो तेल पावांगे आपां इहदे च। सर तो पहले मैं अनारदाना जिहड़ा अद्धा चम्मच लै रही हाँ। तेल अपना हो चुका गर्म, उस तो बाद मैं लसन का जड़े कद्दूकस कर लिया है। नाल ही मैं अदरक दी स्लाइसिस कट लिया ही, हरी मिर्च स्लाइसिस कटी हुई है, इन आप भुन लेंगे। पिंडी छोले बनाने हो ना बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसैस है, तुम मेरी लास्ट वीडियो देखी होनी है, वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दाँगी जे नहीं देखी हैगी। तो यह जड़े छोले ने जोड़े मैं हूँ बना रही हूँ, ये 5 मिनट तैयार होने वाले छोले ने। मान लो अचानक गैसट आ जाए तो फिर दिल हो चल छोले पे हुए से छोले बना लीए, तो उस टाइम ये जी रैसपी तुहाडे हैल्प करेगी। हुण मैं प्याज पा दांगी कद्दूकस किए हुए, दो प्याज ने हम प्याज नूं भी आपां लाल बन लवांगे।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚਾਹੋ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। साहिब मेरा एको है भई एको है, साहिब मेरा एको है भई एको है। इस शब्द बारे मैं तुम्हें एक गल दसना चाहूँगी, जेडे सिख ने ना गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्होंने की हुक्म किया, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। पर कुछ सिख ने अजकल डेरिया से जानते ने, इधर उधर बाबयां दे भटकते पे ने। आपां सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मलना है, क्योंकि अकाल पुरख जिहड़े ने एक ही है। इधर उधर भटकण नालों आपां जिहड़ी मेन चीज़ है उहनूं ही फड़ीए, ठीक है। आपां नूं सिर्फ बाकी धर्मां की इज्जत करन वास्ते कहा गया है, आपां किसी की बेअदबी नहीं करनी हैगी, आपां सारे धर्मां की इज्जत करनी है। पर साडा जिहड़ा धर्म है ना, उहदे विच सिर्फ सानूं हुक्म है कि असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं ही मनना है। गुरु ग्रंथ साहिब जी को छड़ के आप किसी होर मनांगे तो यह ना भटकन वाली गल है। इस करके जेडे भी तुसी इधर उधर जा रहे हो या वहमा भरमा में है गए हो, इन्हां नूं छड़ दो। इधर आप कहते दो नावों में जो सवार होंगे ना, उहदा ना इधरला ध्यान रखता ना उधरला ध्यान रखता, क्योंकि उन्होंने पता होंगे कि जो छड़ पर मेरा मेरा ये कड़ा इन्ना करता पे दूसरे का हैगा, दूसरा सोचता कि पहले का हैगा। तो इस करके दो विच जिहड़ा पैर रखता ना वह हमेशा ही डुबता है बंदा। हुण मैं टमाटर विच पा दांगी, टमाटर विच मैं दो तीन दाने छोलियां दे भी कद्दूकस कर ले सी, मतलब कि पीस ले ही, तो जिहदे नाल थोड़ा ग्रेवी वधिया बन जाएगी। इधर तो आप गुरुद्वारे जा रहे हैं, उधर आप सियाणे कोल भी जाते हैं, गल नहीं ना बनती हैगी। इस करके गुरु जी सोचते हैं कि चल इन्हू मार ही लैंदे हाथ पैर, मुड़ के आना तो इन्हें इतने ही है। इस करके गलत काम ना करो, जो हुक्म होया सिर्फ उन्होंने ही मनो। हुण मैं इहदे विच ज़्यादा सारा धनिया पा दांगी ऑलवेज की तरह, क्योंकि तुहानू सारे नूं पता है मैनूं धनिया बहुत पसंद है। हम देख सकते हो प्याज मेरे पक चुके ने, और प्याज भी पक गए टमाटर भी पक गए, तो हूँ मैं विच मसाले पा दूंगी। हल्दी पा देंगे अद्धा चम्मच, सुखा धनिया एक चम्मच, जे तुम तिखा पसंद है तो मिर्च पा लेना, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। लाल मिर्च पा रही हूँ मैं, देगी मिर्च अद्धा चम्मच पा रही हूँ मैं, अद्धा चम्मच मैं गरम मसाला पाऊंगी। हाँ थोड़े जे मैं नमक पा दूंगी। हूँ इन सारे मसाले आप पका लेंगे। जो अपने मसाले पक जाते ना तो जेड़े तेल है उत्ते आ जाता है। ये आ देखो कितना सोहना रंग है ना, हूँ मैं इन्होंने छोलन में पाऊंगी। Like that,
सारे छोले जड़े आप एवं कड़क पिच पा लाँगे। तो ये ग्रेवी गाढ़ी करने वास्ते चाहो तो छोले में फेल लेना, लेकिन मेरी ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी है तो मैंने लोड़ नहीं आएगी, तो इस करके मैं 2 मिनट इन ढक के पकावांगी। हम एक बार आप ढक्कन खोल के वेखांगे, देखो कितना वधिया कलर आ गया ना, तेल जेड़ा सारा उत्तर आ गया और कलर भी बहुत वधिया है। तो चाहो तो टमाटर की जगह इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो मान लो तुम लगता है ना कि टमाटर पाने चाहिए तो जो तुम बहुत ही जल्दी है तो ये इमली का इस्तेमाल भी कर सकते हो। हम जड़े अपने छोले बन के बिल्कुल रेडी ने। जे तुम मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक करो, शेयर करो, नाले कमेंट करो। कमेंट करके मैंने जरूर दसना कि जो तुम पिंडी छोले 5 मिनट वाले घर ट्राई किए तो किस तरह के बने। तो जे मेरे व्यूअर हाले तक मैं व्यू दे रहे हैं, मैं उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ तुम मेरे चैनल में जरूर सबसक्राइब करो, नाले बैल आइकन प्रेस करो ताकि नवी वीडियो का नोटिफिकेशन तक मिल सके। तो तुम मेरा फेसबुक पेज पर भी ऐड हो सकते हो, तो मैसेंजर से मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू। हंस के दिखा लो, हंसी करके दिखा लो।